सो गाइस आज की स्टूडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने पिक्सेड एप्लीकेशन के मदद से कुछ इस तरह का मास्कोट लोगो को रेडी कर सकते हो जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ऑसम सा लग रहा है। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना अगर आप ऐसे सेम टू सेम ओनली पिक्सेड एप्लीकेशन के मदद से एडिट करना चाहते हो तो, और अगर आप गेमर हो तो ये वाला वीडियो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इस चैनल पे आपको हर रोज फोटो एडिटिंग के वीडियोस और लोगो मेकिंग के वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, लाइक के हम 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं तो कंप्लीट करा देना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको PNG ये वाला ऐड कर लेना है पिक्सेड एप्लीकेशन में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में आराम से मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना जो भी बैकग्राउंड और PNG यूज़ करूँगा। ओके, तो इसके बाद आपको सिंपल से चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से जो है मैं आपको 2 PNG दूंगा उसे आपको ऐड कर लेना है सिंपल से। ओके, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूँ इन दोनों को, और इसे जो है आप ऐड करने के बाद एक को आप ऐसे ऊपर की साइड एडजस्ट कर लेना और एक को उसके साइड में एडजस्ट कर लेना ऐसे नॉर्मली। ओके, आगे मैं बताऊंगा कि इसका यूज़ क्या होगा, जैसे कि आप वैसे भी समझ गए होंगे मैं इसका क्या यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं जल्दी से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लिया। आप भी इस तरह से करके यहाँ से आपको डन कर देना है। ये हो जाने के आप सिंपल से चले जाना ड्रॉ टूल वाले ऑप्शन पे, और ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको जो ये वाला आइकॉन दिख रहा होगा यहाँ पे, इसके ऊपर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एक कलर वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे जो आप कलर कौन सा भी आपका जो भी लोगों का कलर होगा मतलब आप करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना। तो मैं जो पहले व्हाइट को सिलेक्ट करना, ओके, व्हाइट को सिलेक्ट करने के बाद आपको ये वाला आइकॉन पर क्लिक करके इसे जो आपको XOR कर देना है, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जो है आपको ये वाला आइकॉन पर क्लिक करके यहाँ पर इसको आपको एक एम्प्टी लेयर ले लेना है। एम्प्टी लेयर ले लिया मैंने, और अभी जो है आपको अपना फेवरेट कलर को सिलेक्ट करना है वापस उसी कलर पे सिलेक्ट करके मतलब ऑप्शन पे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर ले लेता हूँ, और यहाँ से इसे मैं डन कर देता हूँ। ये होने के बाद आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करके इसको आपको भी कर लेना है XOR, और ये हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इसे बैक कर देता हूँ, और देख सकते हो कलर बिल्कुल इस तरह से हो चुका है। ओके, इसके बाद आप 3 डॉट पर क्लिक करके इस इमेज को जो है सेव कर लेना, तो आपका फोटो जो है गैलरी में सेव हो जाएगा, सॉरी PNG। और इसके बाद जो है आप यहाँ पे क्या करना है, एक ब्लैक कलर का भी सेव कर लेना, सिंपल है। आपको कलर पे चले जाना है, ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है, और देख सकते हो ब्लैक कलर हो चुका है। ये हो जाने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे वापस से क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना। इसके बाद जो आपको फिर से ऐड कर लेना है जो ब्लू कलर का हमने ऐड किया था पिक्सेड एप्लीकेशन में अभी जो सेव किया था। ओके, तो ऐड कर लेते हैं जल्दी से। तो मैंने जो इसे ऐड कर लिया, देख सकते हो यहाँ पे अभी हमने जो एडिट किया था मतलब कलर चेंज किया था। इसके बाद आप सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे चले जाना सबसे पहले ड्रॉ टूल पे, और ड्रॉ टूल में आने के बाद आपको यहाँ पे जो ब्रश वाला ऑप्शन है सॉरी इरेजर का, इसके ऊपर आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे आप सिंपल से इरेज कर लेना। अगर आपको इरेज नहीं होता तो यहाँ पे क्लिक करके ये वाला जो लेयर है इसके ऊपर आपको क्लिक करना, जिससे आप यहाँ पे देख सकते हो इरेज हो रहा है। तो मैं जो साइज़ को बढ़ा करके इसे इरेज कर लेता हूँ जल्दी से, इसके बाद बताऊँगा नेक्स्ट आपको क्या करना है। तो मैंने जो यहाँ पे इसे कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ से डन कर लेता हूँ। इसके बाद जो आप सिंपल से चले जाना है ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर, और ऐड फोटो पर जाने के बाद आपको यहाँ पर ब्लैक कलर वाले को सिलेक्ट कर लेना है जो कि हमने उसके बाद जो सेव किया था, और इसे एडजस्ट करने के बाद आपको इरेज पे चले जाना है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है देख सकते हो इसे आपको इरेज कर देना है इस तरह से। ओके, अब जब भी इसे ऐड करोगे ऐसे इरेज करना पड़ेगा। ओके, और यहाँ से मैं डन कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे वापस से ऐड फोटो पे जाता हूँ, और मैंने जो यहाँ पे पहले से इरेज करके रखा था जो ताकि आपका जो टाइम वेस्ट ना हो। ओके, तो देख सकते हो तो मैं यहाँ पे ऐड फोटो पे जाके जो ब्लू कलर वाला है इसे ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हो मैंने इरेज कर लिया था जो भी ऊपर के 2 थे, और इसे जो मैं यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ। आप भी जो है पहले अपना कलर सिलेक्ट करना, फिर ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके वापस से उसी कलर को सिलेक्ट कर लेना। ओके, तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया, यहाँ से डन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है, और इस बार आपको ब्लैक कलर सिलेक्ट करना है। पहले कलर को सिलेक्ट करना, फिर ब्लैक, फिर वापस से कलर, फिर वापस से ब्लैक। ओके, इस तरह से आपको 4 बार ऐड कर लेना है। तो इसे जो मैं यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, और ये हो जाने के बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है। तो हमारा जो शील्ड है बैकग्राउंड बिल्कुल ऐसा रेडी हो चुका है। ओके, इसके बाद हम ऐड फोटो पे जाएंगे, और यहाँ से हमारा जो मास्कोट का जो लोगो है उसे हम ऐड कर लेंगे। ओके, और ये वाला जो है अगर आपको पता नहीं है इसे आपको कैसे डाउनलोड करना है तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, और अगर आप चाहते हो कि आप खुद का कैरेक्टर का इस तरह का बनाना चाहते हो तो ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से और लास्ट तक देखते रहना। ओके, तो मैंने जो यहाँ पर कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लिया, यहाँ से डन कर लेता हूँ। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करना, यहाँ पर टेक्स्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्सेड एप्लीकेशन में, इसके ऊपर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे लिख देना अपना जो चैनल का नेम होगा या फिर जो भी आपका नेम होगा। ओके, तो मैं जो यहाँ पे मॉन्स्टर लिख देता हूँ, और ये लिखने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो ये सब फॉन्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तो मैं जो है यहाँ पे अपना जो है ओन फॉन्ट को ऐड करूँगा, कस्टम फॉन्ट्स को। और अगर आपको अपना कस्टम फॉन्ट्स ऐड करना नहीं आता है तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो, मैं आपको आई बटन और एंड स्क्रीन में दोनों में दे दूँगा। ओके, तो इसे जो मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है ऐसे जूम करना है, और यहाँ पर आपको नीचे की साइड यहाँ पर एडजस्ट कर देना है।
ये मैंने कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हो स्टॉक स्ट्रॉक का, इस पर आपको क्लिक करना है और ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इसका जो अमाउंट है 50% रख देना है। तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद आप जो है यहाँ से डन कर देना। और अभी देख सकते हो जो लोगो अच्छा नहीं लग रहा है, ओके। तो इसे अच्छा लगाने के लिए क्या करना है, हमें ब्लैक कलर का एक बैकग्राउंड दूंगा उसे आपको सिलेक्ट कर देना। फिर इसको जो आपको ऐसे पतला कर लेना है और आपको जो यहाँ पे अपना जो मॉन्स्टर जो भी आपका नाम होगा उसका जो हाफ वाला पार्ट है वहाँ पे आपको एडजस्ट कर देना है। जैसे कि मैं आप देख सकते हो ओनली हाफ पार्ट को एडजस्ट कर रहा हूँ मैं। अब इस तरह से कर लेना, इसके बाद इसका ओपेसिटी ऐसे कम कर देना। तो जैसे आप यहाँ पर कम करोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है हमारा जो है अभी जो टेक्स्ट है, ओके। पहले जो है इतना अच्छा नहीं लग रहा था, और यहाँ से डन कर लेता हूँ और ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये देख सकते हो आप बिफोर और आफ्टर, बहुत ही ज़्यादा ऑसम लग रहा है हमारा टेक्स्ट। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉ टूल पे चले जाएंगे और यहाँ पे आपको ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना है और पहले देख लेना है कौन सा लेयर में है, ओके। ये देखने के बाद आप यहाँ पे बैक कर देना, फिर ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना है, फिर आपको फोटो पे जाना है। फोटो पे जाने के बाद आपने जो हम पहले जो अभी एडजस्ट किया था उसे हमें ऐड कर लेना है, मतलब जो हमने कलर को चेंज किया था दो तरह के इस तरह के। तो फर्स्ट जो है आपको ये वाला को ऐड कर लेना है, क्रॉप कर लेना है मतलब, इसके बाद आपको इसे एडजस्ट कर देना है। तो इसे मैंने एडजस्ट कर लिया, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको सिंपल से इस लेयर को जो है नीचे लेके आ जाना है, फिर टैप कर देना है, ओके। तो देख सकते हो ये पीछे चले जाएगा। इसके बाद सिंपल से ये वाला आइकॉन पे क्लिक करना थ्री डॉट पे, और यहाँ पे आपको जो है कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो दो लेयर बन जाएगा, ओके। तो मैं जैसे कॉपी पे क्लिक करूँगा दो लेयर बन गया, फिर इसे आपको उसके नीचे लेके आना है, फिर थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको ट्रांसफॉर्म कर लेना है। और यहाँ पे जो है आपको ये वाला ऑप्शन दिखेगा, इसके पे क्लिक कर देना थर्ड वाला ऑप्शन, तो इस तरफ आ जाएगा, ओके। और ये देख सकते हो अभी भी ठीक से एडजस्ट नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डन कर लेता हूँ। ये हो जाने का फिर से यहाँ से एम्प्टी ले लेना, फिर ये वाला जो आइकॉन है यहाँ पे इस पर क्लिक करके आपको फोटो पे चले जाना है, और इस बार जो अपना सेकेंड है उसे हमें ऐड कर लेना है पीएनजी को, इस बार इसे क्रॉप करना और यहाँ से डन कर लेना। फिर सेम प्रोसेस रहेगा जो हमने पहले वाले को ऐड किया था, वैसे हमें इस वाले को भी ऐड करना है, तो जल्दी से ऐड कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने दोनों साइड में बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लिया है, तो हमारा जो लोगो है रेडी हो चुका है, ओके। इसके बाद सिंपल से थ्री डॉट पे क्लिक करके इमेज को सेव कर लेना। और मैंने जो वीडियो के आगे बताया था पहले कि आपको जो है वेक्टर आर्ट में कैसे बनाना है अपना कैरेक्टर को, तो ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो या फिर इसके नीचे वाला वीडियो भी जाके देख सकते हो। और कस्टम फॉन्ट पिक्सल आर्ट में कैसे ऐड करते हैं ये वाला वीडियो जाके देख सकते हो, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर अभी अगले वीडियो पर।